بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما على بقية الله في الأرضين اللهم عجل له الفرج أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين माह मुबारक रमजान का लास्ट वीक शुरू हो चुका है और जैसा अभी आपने दुआ में भी सुना अय्याम शहर रमजान कद इन्क़ज़त वलियाली है कद तसर्रमत। रमजान के ये दिन पासिंग बाई, ये रातें लीविंग अस, लास्ट वीक रमजान का। और एक जुमला ऐसा कह रहा हूं जो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी एक खास कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहा हूं और इसकी डिटेल कल आएगी। और वो ये है कि माह मुबारक रमजान का लास्ट वीक है और ओलंपिक्स का लास्ट डे। शायद 11 o'clock पे इख्तितामी तकरीब या क्लोजिंग सेरेमनी शुरू होगी, उससे बहुत पहले मेरी मजलिस खत्म हो जाएगी। और सूरह मुबारक जुमा की आयत की मैंने तिलावत की है, जिसका एक ताल्लुक ज़ुहूर इमाम जमाना से है और दूसरा ताल्लुक इसी ओलंपिक से। आज शायद इस आयत की तफसीर का मौका ना मिले, लेकिन तर्जमा तो फिर भी हो जाए। वह इजारा और तिजारा, ये लोग जब कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन को या मालो दौलत के मसले को देखते हैं, और लहवा या खेल तमाशा इनको नजर आता, किसी को ओलंपिक नजर आ रहा, किसी को विमिल्डन नजर आ रहा, किसी को क्रिकेट का वर्ल्ड कप नजर आ रहा। लन फजू इलैहा, अरे हबीब ये उसकी तरफ भाग के जाते हैं। वह तरकू का कायम, और तुझे अकेला छोड़ देते हैं। कुल, ये मैसेज इनको दे दो कि मा इंदल्लाह खैर मिन अल्लाह, जो अल्लाह के पास है वो इस खेल और तमाशे से बेहतर। वह मिनत तिजारा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। अब ये सेकेंड हिजरी की आयत है और आज 1433 हिजरी का रमजान। शायद मुसलमानों का नेचर इतने साल गुजरने के बाद भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आज की मजलिस इसमें यह सब्जेक्ट नहीं आ पाएगा। हमारे यूथ, हमारे बच्चे, हमारी औरतें, हमारे जवान क्लोजिंग सेरेमनी देख ले ओलंपिक की, तो फिर इसके हवाले से कल बात की जाएगी। आज तो सिर्फ इतनी सी बात कि माहे मुबारक के रमजान का लास्ट वीक। और शरीयत में स्पेशल या हाई रिकमेंडेशन लास्ट फ्राइडे का आया, जुमातुल वदा, उसके लिए खुसूसी दुआएं भी हैं, स्पेशल रिकमेंडेशन भी है। और हजरत इमाम खुमैनी की जानिब से यौमुल कुद्स के हवाले से स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी है। लेकिन खाली लास्ट फ्राइडे नहीं, अब आज का संडे लास्ट संडे, मैं पॉसिबल कि अगला संडे भी हमको मिल जाए, लेकिन मंडे तो लास्ट मंडे होगा। कल परसों ट्यूसडे जो है इस माह मुबारक रमजान का लास्ट ट्यूसडे। रमजान का महीना बहुत तेजी से खत्म हो रहा। आप हजरात एंड ऑफ रमजान को देख के बहुत खुश या सेटिस्फाई होंगे, होना भी चाहिए कि अल्लाह ने हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी, एक पूरा रमजान मिला, हमने इस रमजान का हक अदा किया, रोजे भी रखे, नमाजें भी पढ़ी, इबादतें भी की, दुआएं फिता भी पढ़ी और बहुत सारी दुआएं भी।
ईद करीब आ रही है, एक सेटिस्फेक्शन, एक खुशी होना चाहिए, मगर हमसे और आपसे ज्यादा ईद का किसको वेट और इंतजार? शैतान। वो अभी जेल में है, वो अभी कैद में है। जेल में जाने वाले से पूछिए, जब उसको मालूम होता है कि तुम्हारी टर्म पूरी होने में या तुम्हारी सजा खत्म होने 6 महीने रह गए हैं, वो एक एक दिन गिन के गुजारता। 1 महीना रह गया है, 1 हफ्ता रह गया है, 24 घंटे रह गए हैं। जेल में जाने वाले की साइकोलॉजी बिल्कुल चेंज होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जेल जा चुका हूं, किसी की जेब नहीं काटी थी, किसी के माल को नहीं लूटा था, किसी के साथ बिजनेस में फ्रॉड नहीं किया था, किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं किया था। जो पाकिस्तान के अंदर एंटी शिया माहौल था और उस वक्त शिया मूवमेंट चला था, उसमें मैं जेल गया था। तो हम लोगों के लिए, जो हम लोग रिलीजियस ग्राउंड पे जेल जाते हैं, हमारे लिए कोई टर्म तो होती नहीं, तो जेल में डाल दिया। जब गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन कामयाब होंगे तो हमको आजाद किया जाएगा। लेकिन जेल में दूसरे बहुत सारे लोग तो थे, मालूम हुआ ये चोरी के जुर्म में आया है, इसने किसी को कत्ल किया है, इसने किसी के साथ फ्रॉड किया है, इसने चेक दिया था जो डिसऑनर हो गया, बहुत से मुल्कों में उसके लिए जेल है। अब 1 महीना रह गया, 20 दिन रह गए, 10 दिन रह गए, वो लोग एक एक दिन गिना करते, बहुत ज्यादा उनको खुशी होती थी। शैतान की भी माह रमजान की जेल है। ऑल्दो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की कर गई, आपके लिए भी और शैतान के लिए भी, बहुत सारे काम पहले आपको जहमत उठा के करना होते थे। दारुस्सलाम का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहां भी होगा, बहुत सारी चीजों के लिए अब रिमोट आ गया। एक छोटा सा टेलीविजन ऑफ करना है या ऑन करना है, पहले उठ के जाना पड़ता था, अब नहीं। तो शैतान भी रिमोट कंट्रोल से बहुत सारे काम जेल में बैठे बैठे भी कर लेता। टेक्नोलॉजी खाली आप ही के लिए नहीं है, शैतान के लिए भी। लेकिन बहरहाल 1 महीने के बाद उसको जेल से निकलना, और 1 महीने का मतलब अब लास्ट वीक है। जैसे अभी मैं काउंटिंग कर रहा था कि लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे, लास्ट वेडनेसडे, शैतान भी काउंटिंग कर रहा, बस अब 6 दिन रह गए हैं ये लास्ट मंडे, बस अब 4 दिन रह गए ये लास्ट वेडनेसडे, बस अब 2 दिन रह गए ये लास्ट फ्राइडे। उसको भी इंतहाई खुशी है जेल से निकलने, और जब वो जेल से निकलेगा तो ऐसा रिवेंज आपसे लेगा, मैं जेल में चला गया तो तुमने खूब नमाजें पढ़ी, मैं जेल में चला गया तो खूब दुआएं इब्तिदा पढ़ी गई, मैं जेल में चला गया तो कल रात पूरी रात तुमने शबे कदर के अमाल किए, अब मैं आ गया हूं और 11 महीने तो अब तुम मेरे कंट्रोल में हो। पहले जमाने में रोमन एम्पायर के लिए तो मशहूर था, लेकिन यह इंसान की साइकोलॉजी, क्या मशहूर था कि वो शेर को कैद में रखते थे और भूखा रखते थे, और उसके बाद 15 दिन बाद, 10 दिन के बाद उसको आजाद करते थे रोम में, और सामने मुजरिम होते थे। और ये भूखा शेर जो अटैक करता था, कोई ऐसा आदमी है जिसे कई दिन से खाने को नहीं मिला, उसके सामने आप सुपरा या दस्तरखान बिछाइए, किस तरह वो टूटेगा। शैतान की यही हालत होगी जब वो चांद रात को कैद से बाहर निकले, वो फुल रिवेंज लेगा हमसे और आपसे। माहे मुबारक के रमजान में वो जेल में चला गया, हमें और आपको मिसगाइड न कर सका। अब ऐसा नहीं है कि वो इस चीज को भूल जाएगा। हजरत मूसा कोहे तूर पर गए और कहा, खुदा वंदा, मैं कोहे तूर पे बहुत रेगुलर आता हूं, अपने कौम के सवालात देता हूं, तुझसे वही लेके जाता हूं, आज मेरा दिल चाहता ऑफिशियल ड्यूटी के अलावा कोई एक एडवाइस तो मुझे कर। भाई नबी की एक तो ऑफिशियल ड्यूटी उम्मत के प्रॉब्लम्स को अल्लाह तक ले जाना, अल्लाह के ऑर्डर्स को उम्मत तक पहुंचाना। कहा कि आज इससे हटकर मैं चाहता हूं कोई एक स्पेशल एडवाइस। कहा मूसा, भैया 4 बातें अच्छी तरह याद कर लो,
अगर इसको प्रैक्टिस लेकर आ गए, इस पर प्रैक्टिस की, तो ना दुनिया में तुम्हारा कभी नुकसान होगा ना आखिरत में। अल्लाह की इसी वर्डिंग को चेंज कर दे, यानी दुनिया में भी नुकसान नहीं है, आखिरत में भी नुकसान नहीं है, चेंज कर दे, तो ये हमारी दुआ बनेगी जो सूरह बकरा में आई कि रब्बना आतिना फिर दुनिया हसना व फिर आखिरत हसना। ये चार बातों पे अमल करो, दुनिया भी तुम्हारे लिए हसना, आखिरत भी तुम्हारे लिए हसना। मूसा ने तड़प के कहा खुदाबंदा वो क्या चार बातें, मेरे टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ एक बात। टॉपिक क्या है कि लास्ट वीक ऑफ रमजान शैतान तड़प रहा है कि जल्दी से ये छह दिन खत्म हो, मुझे फ्रीडम मिले, फिर मैं रिवेंज लूंगा। एक महीने का भूखा आदमी, हमें और आपको खाना ना मिले हम भूखे होते, शैतान को मिसगाइड करने का चांस ना मिले वो अपने आप को भूखा समझता। शैतान का खाना पिलाओ नहीं है, बिरयानी नहीं है, दाल चावल नहीं है, मोमिन को बहकाना, इससे उसका पेट भरता। तो अब ये जो हमारा टॉपिक शुरू हुआ उसके कॉन्टेक्स्ट में इस हदीस में सिर्फ एक चीज है, लेकिन शॉर्ट हदीस है तो पूरी सुना दू। कहा क्या है मूसा, जब तक मैं जिंदा हूं, अल्लाह अपने लिए कह रहा है कि जब तक मैं जिंदा और अलाइव हूं किसी और के आगे हाथ ना फैलाना। हां जब अल्लाह मर जाए नऊज़ु बिल्लाह, ब्रेकिंग न्यूज आ जाए टेलीविजन पर, तब सोचना कि इससे इसके आगे हाथ फैलाओ कि उसके आगे झुको कि उससे कंप्रोमाइज करो। जब तक अल्लाह जिंदा है किसी और के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। जब तक तुम्हारे ऐब माफ ना हो किसी दूसरे के ऐब पे निगाह ना डालना। जिस दिन तुम्हें पता चला कि अब मैं बिल्कुल वॉश एंड क्लीन मासूम बन गया, मैं अब मेरा कोई गुनाह नहीं है, तब फिर देखना कि नेबर क्या करता है, कजिन क्या करता है, फुला बिजनेसमैन क्या करता है, फुला रिश्तेदार क्या करता है, फुला कम्युनिटी मेंबर क्या करता। दूसरों के ऐप पर उस वक्त निगाह डालना जब तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो चुके। जब तक तुमने एक भी खराबी, एक भी गुनाह, एक भी ऐब है, किसी और के ऐप पर निगाह भी ना डालना। जरा सी स्ट्रांग उर्दू हो गई लेकिन क्या करूं। लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि मौलाना आपकी मजलिस बहुत लंबी, ये भी कंप्लेन करते हैं कि आप बहुत फास्ट पढ़ते हैं, ये भी कंप्लेन करते हैं कि उर्दू आपकी बहुत हार्ड हो जाती है। अब तीसरी बात, आए मूसा जब तक मेरे खजाने भरे हुए हैं अपने रोजी के लिए परेशान ना होना। ये जो हम चीट करते हैं, ये जो हम फ्रॉड करते हैं, ये जो हम झूठ बोलते हैं, ये जो हम दूसरे के पैसे पे कब्जा करके बैठे जाते हैं, ये जो हम बिजनेस के लिए लोगों से पैसा लेते हैं वापस नहीं करते, ये सब क्यों है। हर आदमी परेशान होता है अपने फ्यूचर के लिए और अपने रोजी के लिए। अल्लाह कह रहा है जब तक मेरा खजाना भरा हुआ है तुम्हें अपनी रोजी की परेशानी नहीं होना चाहिए, रोजी की ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली। हां अगर कभी ये न्यूज मिल गई कि आज अल्लाह के सारे खजाने खाली हो गए, जैसे यूरोप के अंदर क्या वो स्पेन में और ग्रीस में और जर्मनी में यूरो जोन का प्रॉब्लम चल रहा, ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाए कि अल्लाह का बजट डेफिसिट में चला गया तो सोचना अब मैं क्या करूं। और है मूसा देखिए हर एडवाइस पर एक पूरी मजलिस हो सकती, लेकिन क्या दारुसलाम के इस मजमे को इतना वेल अवेयर और इतना वेल एजुकेटेड कोई जरूरत है इन चीजों की डिटेल की नहीं। तो आइए चौथी और आखिरी बात जो मेरा टॉपिक, और है मूसा जब तक शैतान जिंदा है एक सेकंड के लिए भी शैतान की तरफ से केयरलेस होके और गाफिल होके ना बैठना। हां अगर कभी हेडिंग आ गई कि कल शैतान का इंतकाल हो गया है, इतने बजे नमाज जनाजा होगी, दो रकत नमाज वहशत की रिक्वेस्ट है, फिर अलग बात, फिर खुश हो जाना कि अब हमारा कोई दुश्मन नहीं रहा। जब तक शैतान जिंदा, और ये आपको मालूम कि इमाम जमाना तक शैतान जिंदा है, इमाम के आने के बाद शैतान मारा जाएगा। वो भी बहुत से लोग समझते हैं कि इमाम जमाना की तलवार से शैतान मारा जाएगा, यह गलत है। इमाम जमाना के आने के बाद शैतान मारा जाएगा मगर रसूल खुदा की तलवार से, क्योंकि खाली इमाम अकेले नहीं आएंगे, रसूल खुदा भी आएंगे। यह एक अलग टॉपिक हो गया रजत, और हो सकता है कि रमजान की जो रिमेनिंग मेरी तीन स्पीचेस हैं आज के बाद,
किसी एक में रजत या इमाम जमाना पे बात हो, लेकिन अभी बात यह कि बहरहाल एटलीस्ट अभी तक शैतान जिंदा, जब तक शैतान जिंदा है उसकी जानिब से हर वक्त केयरफुल होके बैठना, अलर्ट बी रेडी। वो तुम्हें बहकाएगा और गुमराह करेगा, और सबसे ज्यादा जो लास्ट नाइट होगी रमजान खत्म होकर ईद की रात, जिस रात की स्पेशल रिकमेंडेशन है आमाल की, ये शबे कदर के आमाल जितने इंपॉर्टेंट है जो आपने कल रात को किए, शबे ईद के आमाल भी इतने ही इंपॉर्टेंट, और खास फितरे का हुक्म भी इसीलिए, ये फितरा शैतान से आदमी को बचाता है। बहुत सारी इसमें बातें हैं, अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन इन शॉर्ट यह है कि लास्ट वीक है आपके लिए, लास्ट वीक है शैतान के लिए, शैतान के लिए लास्ट वीक है, उसकी जेल, उसकी प्रिजन, उसकी कैद खत्म होने वाली, उसको एक बार बाहर तो आने दी। और यह एक बात याद रखिएगा कि शैतान मोमिन को जब मिसगाइड करता, और स्पेशली रिलीजियस और पायस मोमिन को, यह भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि भाई शैतान अगर काफिर को मिसगाइड करे तो समझ में आ जाता, काफिर के पास क्या प्रोटेक्शन है, कोई भी नहीं। शैतान अगर एक शराबी को मिसगाइड करे तो समझ में आ जाता, लेकिन एक मोमिन मुत्तकी परहेजगार रोजा रखने वाला जिसके घर में एवरी फ्राइडे शबे जुमा दुआए कुमैल होती है, नमाज शब पढ़ी जाती है, कुरान पढ़ा जाता है, मासूमीन के नाम का तावीज लगा हुआ है दुआए तवस्सुल, यहां पे शैतान कैसे एंटर होता और कैसे पेनिट्रेट करता इसके घर में, इसे तो अल्लाह का फुल सपोर्ट हासिल, इसे तो अल्लाह का प्रोटेक्शन हासिल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसीलिए बहुत सारे अंबिया की हदीसें कि जब शैतान की उनसे मुलाकात हुई उन्होंने ये सवाल जरूर किया। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी मोमिन की सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ी मिस्टेक और शैतान का सबसे अहम टूल जिससे वो मोमिन को, नमाजी मोमिन को, परहेजगार मोमिन को, रमजान का रोजा रखने वाले मोमिन को, हर रात दुआएं सुनने वाले मोमिन को बहकाता, हमारे पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाकिर अलैह अफजलुस्सलाति वस्सलाम, और तो हदीस बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन चूंकि मैं बहुत मजलिसों में पढ़ता रहता हूं तो हो सकता है कि आपने कभी इंटरनेट पे यह कैसेट में सुन लिया हो, इसलिए इसको शॉर्ट कर रहा हूं। इमाम फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक कपल था और बहुत ही रिलीजियस, बहुत ही पायस, बहुत ही मुत्तकी, बहुत ही परहेजगार, और अल्लाह का एक स्पेशल गिफ्ट या ब्लेसिंग इनके लिए यह थी कि वाइफ और हस्बैंड दोनों ही बड़े रिलीजियस थे। नॉर्मली या यूजुअली यह होता नहीं, कभी शौहर बड़ा रिलीजियस होता है तो उसकी वाइफ अगेंस्ट रिलीजियस, कभी वाइफ बड़ी रिलीजियस होती है तो शौहर अगेंस्ट रिलीजियस। हमारे यहां के पेरेंट्स नॉर्मली जब अपने बेटे या बेटी की शादी डिसाइड करते हैं तो ये तो देखते हैं कि हम दोनों की फैमिली की मैचिंग हो रही, ये नहीं देखते हैं कि लड़के और लड़की की भी मैचिंग और अंडरस्टैंडिंग जरूरी, बल्कि वो ज्यादा जरूरी है। चुनाचे दो मोमिनीन में आपस में दोस्ती है, बड़ी अंडरस्टैंडिंग, लड़का बड़ा रिलीजियस है, दूसरे की बेटी रिलीजियस नहीं, शादी कर दी जाती है, जिंदगी जहन्नम बन जाती है। मैंने कहा ना कि कितने ही नमाजें शब पढ़ने वाले नौजवान, सारी नमाजें उनके कजा हो गई इसलिए कि वाइफ ऐसी मिली जो दाढ़ी तक नहीं रखने देती, और वाइस वर्सा भी होता कि लड़की इंतहाई रिलीजियस, इंतहाई हिजाब वाली, और वालिदैन ने ऐसी जगह शादी कर दी। अच्छा, अब यह भी याद रखिए, एक नॉर्मल बात कर रहा हूं, एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं कि ना शौहर कभी स्ट्रांग होता है ना बीवी, नॉर्मल जब मिसमैचिंग हो तो जो रिलीजियस है वो वीक हो जाता है, जो शैतानी आदमी है वो हमेशा स्ट्रांग होता है। शौहर और बीवी में अगर बीवी रिलीजियस है शौहर आपको स्ट्रांग मिलेगा, बीवी वीक, बीवी को वीक बना दिया जाएगा, और अगर कभी शौहर रिलीजियस है और बीवी जो है वो रिलीजन से हटकर है तो बीवी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। यही दुआ है फिजा का एक जुमला कि मौला इमाम जमाना आ जाए ताकि हम
हम हक पर अमल करने में कमजोर ना हो। आजकल यही है कि रिलीजन पर अमल करने वाला कमजोर। ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत और ब्लेसिंग है किसी फैमिली पर अगर शौहर भी इतना ही पायस है जितनी बीवी, और बीवी भी इतनी ही रिलीजियस हो जितना शौहर। बनी इसराइल के इस कपल को जिसकी स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज लेके आती है, लेकिन मैं शॉर्ट कर रहा हूं। यह जुमला मैं क्यों कहता हूं कि यह स्टोरी मैं शॉर्ट कर रहा हूं, दो रीजन होते हैं। नंबर एक, जिसने स्टोरी सुनी हुई है वो ये ना समझे कि हम 40 मिनट जो है मौलाना वही बात बताएंगे जो मैं सुन चुका हूं, तो थोड़ी देर एक नैप ले लो। नहीं, शॉर्ट कर रहा हूं। और दूसरा, ये जुमला इसलिए भी कहता हूं कि जब स्टोरी शॉर्ट की जाती है तो कुछ चीजें उसमें से मिस करना होती हैं। तो अगर कुछ चीजें आपकी समझ में ना आए तो स्टोरी में वो चीज थी, टाइम की वजह से मैंने वो चीज छोड़ दी। मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट कीजिए कि वो सही चीज थी। खैर, और ये दोनों जो रिलीजियस थे, तो एक तो अल्लाह की ये नेमत, दूसरी नेमत ये कि ये रिलीजियस थे अल्लाह वाले, दज्जाल वाले नहीं। एक रिलीजन दज्जाल का है, हमारे यहां उर्दू में दज्जाल के लिए कहा जाता है काना, एक आंख वाला। इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है, मगर उसमें से एक ये भी कि जो आधा रिलीजन लेता, एक आदमी को चैरिटी का बहुत शौक है, सोशल वर्क का बहुत शौक है, वो सारा टाइम और पैसा यही लगा रहा, अब नमाज छूट रही है, रोजे कजा हो रहे, बाकी वाजिबात छूट रहे, कोई बात नहीं, कहा कि इसका बहुत सवाब है। इस्लाम में सोशल वर्क की अहमियत है, बट इस्लाम इज नॉट अ रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने जुमला कहा, लेकिन इसकी डिटेल आज नहीं। चैरिटी की अहमियत है, लेकिन नमाज रोजा और तकवा और परहेजगारी और गाने से बचना और हिजाब करना और दाढ़ी रखना और म्यूजिक ना सुनना और गीबत ना करना भी इतना ही इंपॉर्टेंट। और कुछ लोग ऐसे हैं जो नमाज रोजे में इतना लगते, बेवा मरी जा रही है, यतीम के सर को खाना खिलाने वाला कोई नहीं है, कम्युनिटी की हालत खराब हो रही है, उनके पास इतना पैसा है सोचते भी नहीं। ये दोनों दज्जाल है। ट्रू रिलीजन बैलेंस, ये आता है $7,000 मसला, तो कभी इनका हाथ खाली नहीं हुआ पैसा दे इंतहा। शौहर भी इतना ही रिलीजियस, बीवी भी, वरना कभी शौहर चैरिटी करता बीवी रोक देती, उसको बंबई से जाके नई साड़ियां और नई ब्लाउज लाना है जिसका पहनना इस्लाम में हराम है। जो बॉम्बे के अंदर साड़ियां जा रहा हूं, अब अगर कोई जीनियन रीजन ना हो तो मोमिन की दावत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हाँ, अगर कोई जीनियन रीजन है, कोई मरीज आदमी है, कोई बीमार आदमी है, कोई ऐसे प्रॉब्लम है, ठीक। उसने कहा लेकिन या रसूल अल्लाह अकेले नहीं आइएगा, इस्लाम में इसको भी बुरा समझा गया। एक रिवायत यह है कि तीन आदमियों पे अल्लाह लानत भेजता, अकेले खाने वाला, अकेले घर में सोने वाला, अकेले ट्रेवलिंग करने वाला। अब यह हदीस भी डिटेल चाहती है, इतना टाइम तो नहीं। तो रसूलुल्लाह को दावत दे रहा है, कहा है ये जो 8-10 सहाबी आपके साथ है इनको भी ले आइए। नेक्स्ट मॉर्निंग नमाज फजर के बाद रसूलुल्लाह उसके घर में गए, सुबह का वक्त है, घर के अंदर एक खुला सहन भी है, वहां बिठा दिया, प्लेजेंट ब्रीज चल रही है, और वो ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन में कभी घर में जाता है कभी बाहर। उसके घर में मुर्गियां भी थी। इस्लाम में एक रिकमेंडेशन ये भी है कि जानवर पालो और उनकी खिजा का इंतजाम करो। मौला ने कहा था उम्मे कुलसूम, अगर इन बत्तखों को फूड ना दे पाओ मेरे गम की वजह से तो इनको आजाद कर देना। एक अजीब मजहब, एक चिड़िया बत्तख का इतना ख्याल करने वाला, और उधर यतीम, उधर बेवा, उधर मरीज, उधर गरीब लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं, और मोमिन इनको निगलेक्ट करे, फिर भी मुसलमान हो, हाउ इज पॉसिबल। तो इसके घर में बत्तखे, मुर्गियां, जानवर पले। रिवायत में है कि यह भी एक सदका, बहुत सारी बलाएं ऐसी होती हैं, अकीक का वन ऑफ द बेनिफिट, आप पर बला आ रही है, अगर आपके हाथ में अकीक है, अकीक उस बला को अपने आप पर ले लेगा, आपको बचा लेगा। घर में जानवर है, बला उस पर चली जाएगी, आप बच जाएंगे। सुबह सदका आपने दिया है, बला उस पर चली जाएगी, आप
प्रोटेक्टेड। बहुत सारी बातें इस वाकये में आ गई हैं। घर से आज क्लॉक हटा दिया गया, आई डोंट नो के वाई, लेकिन बहरहाल मुझे एक एक्सक्यूज मिल गया है, लेकिन फिर भी मैं खुद भी बहुत थका हुआ हूं। और दारुसलाम में आके फ्लू का अटैक भी कल रात को हो गया, इसलिए मैं खुद भी लंबी बात नहीं करूंगा, बहुत शॉर्ट। खुलासा यह कि इसके घर में मुर्गी थी, सुबह का वक्त है, मुर्गी ने फ्लाई किया, दीवार पे जाके बैठी और एक अंडा दिया। अब वो अंडा दीवार पर से जमीन पे गिर रहा है, जमीन पे गिरेगा टूट ही जाएगा, तो नॉर्मल बातें हैं, घर में ऐसी बातें होती ही रहती। मगर उसकी दीवार पे दो हुक ऐसे लगे थे कि बिल्कुल वही अंडे के साइज के, अंडा ऊपर से गिर रहा है दीवार पे, गिरते गिरते वो हुक के करीब पहुंचा, उसमें फंस गए। अब ये जरा एक अनयूजुअल चीज, सारे असाबे रसूल एक दूसरे को देख रहे हैं, हाउ सरप्राइजिंग। घर वाला बाहर निकल आया, उसने कहा या रसूल अल्लाह, अगर मैं इनको अपनी पूरी लाइफ हिस्ट्री सुनाऊं, दे कांट बिलीव, या रसूलल्लाह मुझे जिंदगी में कभी कोई नुकसान नहीं हुआ, ना कोई बीमारी, ना कोई बिजनेस लॉस, ना पैसे का नुकसान, इवन इतना छोटा नुकसान एक अंडे का लॉस, वो भी अल्लाह आखिरी मिनट में मुझे बचा लेता। रसूलल्लाह खड़े हो गए, अपने असार से कहा चलो हम लोग इस घर से बाहर चले जाते हैं। वो घबरा गया, या रसूल अल्लाह आप दावत को कबूल करके आए थे, अभी तो दावत ही नहीं हुई। पैगंबर ने कहा कि मैं अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव, मुझे ऐसे घर में नहीं बैठना चाहिए जिससे अल्लाह नाराज है। घर वाले ने कहा या रसूल अल्लाह आप दावत कबूल करके आ गए थे, तो ये अभी अभी आपको कैसे पता चला, क्या जिब्राइल वही लाए? कहानी जो तूने बताया, जिससे अल्लाह नाराज होता है उसको अल्लाह कोई टेस्ट नहीं लेता, उसको अल्लाह उसके हाल पे छोड़ देता, उसका कभी नुकसान नहीं होता। जिससे अल्लाह खुश होगा, जिससे अल्लाह राजी होगा, उसका इम्तिहान लिया जाएगा, उसे टेस्ट में डाला जाएगा, उसे कभी बीमारी होगी, कभी उसके घर में बिजनेस लॉस होगा, कभी पैसे की परेशानी होगी, और कभी उसके घर में मौत होगी। ये सारे वाकयात होंगे। जितना स्टेटस हाई है, और अगर हाईएस्ट स्टेटस है, तो करबला की तरह का इम्तिहान देना होगा। वो फिरौन है कि आराम से बैठा, वो नमरूद है कि आराम से बैठा। तो बनी इसराइल का इतना अच्छा कपल, ये हमारे और आपके लिए भी मैसेज है, बनी इसराइल का कपल सारी नेमतें और रहमतें और ब्लेसिंग मिल रही, लेकिन वही बात कि मोमिन अल्लाह ने इम्तिहान ली, और शौहर का इंतकाल हो गया, शौहर मर गया, गुजर गए, औरत अभी जवान है, यानी ये दोनों जवान कपल है, बूढ़े नहीं है, और बच्चा जो है भी बहुत छोटा है, 5 साल का, एक ही बेटा, यतीम हो गया। खैर बाकी सारी बातें तो छोड़िए कि जितना बड़ा लॉस हुआ, औरत को जितना गम हुआ, वो अपनी जगह, लेकिन अब देखिए औरत के दिल में ख्याल आया, ऐसा लग रहा है कि बेहतरीन इसकी ये थिंकिंग थी। नहीं, सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा, आगे चल के पता चला कि ये तो बहुत ही खराब थिंकिंग थी। वो हुआ क्या, शौहर तो मर गए, पुराना जमाना है औरतें घर से बाहर निकल के जॉब या बिजनेस नहीं करती, अब जो शौहर छोड़ के गया इसी पर उसको गुजारा करना। बल्कि आई एम प्रीटी श्योर कि दारुसलाम जैसे शहर अभी तक कई ऐसी औरतें होंगी कि अगर बेवा हो जाए तो उनके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, वही जो शौहर छोड़ के गया उसी में उनको गुजारा करना। ये तो 1400 साल नहीं, उससे भी पुरानी हदीस है, हजरत मूसा के जमाने की। तब औरतें घर से बाहर काम नहीं करती, शौहर जितना, और बहुत छोड़ के गया। अगर ये औरत बैठ के आराम से खाए भी, तब भी इसकी जिंदगी गुजर जाएगी। इसके दिल में ख्याल आया कि शौहर के जमाने में मैं बहुत चैरिटी करती थी, पर वो बेवा औरतें तो आएंगी ना, वो यतीम बच्चे तो आएंगे ना, वो बीमार लोग तो आएंगे ना, जहां जहां ये देती थी। अब मेरा शौहर मर गया, इनकम का सोर्स तो खत्म हो गया, अब तो खाली एक्सपेंडिचर है। अगर मैं उसी तरह से राह खुदा में खर्च करती रही तो कुछ भी नहीं बचेगा आखिर, मैं खुद प्रॉब्लम में आ जाऊंगी। अल्लाह मेरी मजबूरी देख रहा, मुझे अब केयरफुल होना पड़ेगा। इसके बाद दिल में ख्याल आया
ये दूसरा वाला ख्याल गलत है, भजने को रोकना पड़ता है, लोग वाह वाह कहने लगते हैं। इसके दिल में ख्याल आया, हरे हरे ये मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया, मेरा शौहर मरा है, अल्लाह तो नहीं मरा ना, रोजी देने वाला शौहर नहीं था, अल्लाह था, वो अब तक मौजूद है, वो उसी तरह से मुझे देगा। चुनाचे मैं अपना तरीका नहीं बदलूंगी जैसे शौहर के जमाने में चैरिटी वैसे अभी। देखिए कितना अच्छा ख्याल है, मगर इसी में शैतान ने इसको बहका दिया। वरना थिंकिंग देखिए तो बेस्ट, इसका बिलीव देखिए, शौहर मरा तो शौहर को थोड़ी रोजी देता था, वो तो एक जरिया अल्लाह ने बनाया था, देने वाला तो अल्लाह है, वो तो जिंदा है, मैं क्यों अपना तरीका चेंज करूं। उसी तरह से गरीबों की मदद, उसी तरह से चैरिटी में पैसा खर्च, दे रही है दे रही है दे रही है। यहां तक कि जो सारी जिंदगी काम आता था वो चंद सालों में खत्म हो रहा, अब इसके अपने घर में फाके आ रहे हैं, मगर इतनी देर में इसका बच्चा जवान हो गया। और इसे सेटिस्फेक्शन है कि अगर घर में फाके आए तो कोई बात नहीं, मैंने राय खुदा में खर्च किया, एक रात को ये सोई, सपना, लेकिन ऐसा सपना जो बाद में नबी ने कंफर्म किया कि सच्चा सपना, सपना तो सच्चा भी हो सकता है झूठा भी हो सकता। एक रात को ये सोई, इसने देखा कि मैं एक जगह खड़ी, मेरे राइट साइड के ऊपर से बड़ी अच्छी हवा, प्लेजेंट ब्रेस, बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही, जिस हवा की वजह से बहुत सारे मोमिनीन बाहर बैठते होंगे, कुछ तो मजबूरी की वजह से बैठते होंगे, कुछ अच्छी हवा है, खुद मेरा भी दिल चाहता है कि मैं बाहर बैठूं, लेकिन क्या करूं, मुझे स्पीच भी करना, तो खैर खुलासा यह है बड़ी ठंडी हवा आ रही, बहुत ही अच्छी, और साथ में बड़ी अच्छी परफ्यूम भी आ रही, खुशबू स्मेल, और लेफ्ट साइड से भी एक हवा आ रही है लेकिन बड़ी गर्म, जैसे डेजर्ट में चलती, जिसे हम उर्दू में कहते हैं लू, इंतहाई हॉट किस्म की और इंतहाई बदबू आ रही है। हज का एक मसला जो अक्सर लोग पहले भूल जाते थे, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको याद हो गया, जब हज में आप इहराम पहने तो खुशबू लगाना हराम है, हर एक को पता, खुशबू लगाना भी हराम है, खुशबू सूंघना भी हराम है, खुशबू खाना भी हराम है, बिरयानी नहीं खा सकती अगर जाफरान पड़ा हुआ। लेकिन ये मसाले का पार्ट ए है, पार्ट बी, और अगर कहीं पे बदबू हो या बैड स्मेल हो तो वहां नाक बंद करना भी हराम, खुशबू हो तो नाक बंद करना वाजिब है, या वहां से चले जाइए, और बदबू हो तो या वहां से चले जाइए वरना नाक खुली रखना। तो बदबू एक ऐसी चीज है, स्पेशली हज के जो टॉयलेट्स होते हैं, और उसमें भी स्पेशली मुजदलिफा में, जहां एक एक वॉशरूम के ऊपर दो दो हजार आदमियों की क्यू होती है, इतना फ्रीक्वेंट यूज है कि इतनी बुरी स्मेल, अब ये जहां खड़ी है लेफ्ट साइड से वो स्मेल आ रही, ह्यूमन नेचर है, अच्छी चीज की तरफ आदमी जाता है, ये पहले लेफ्ट साइड पर गई। भाई अभी आप दुआएं पिता के बाद दो दुआएं पढ़ते हैं, जन्नत की नेमतें मांगते हैं, जहन्नम का अजाब कि अल्लाह उसे बचाए, पहले जन्नत की नेमतें, भाई काफिन बिन मईन और खुदा बंदा सबना हुरलीन, फिर आप कहते हैं फला तुलबिसना सराबील व कतलान व नार फला चीज, तो अच्छी चीज पहले गई राइट साइड पर, देखा कि बहुत ही खूबसूरत बाग है, उसकी डिटेल में मैं 10 मिनट लगा देता हूं, लेकिन एक तो टाइम कम है और वही डिटेल है जो दुआ इफ्तिताह के बाद वाली दुआ में आप सुनते हैं। बेहतरीन बाग, एक से एक बेहतरीन फूल, हूरे, हर वो चीज, किसी से पूछा ये कौन सी जगह है, कहा आज ही रौजतुन में रियाज जन्ना, ये जन्नत के बाग में से एक बाग और गार्डन, जैसा जन्नत को सुना था उससे अच्छा पाया। देखा बीच में कैसल है, बड़ा शानदार गोल का बना हुआ, पूछा ये कैसल किसका, इतना खूबसूरत, कहा ये तेरे शौहर का, घबरा के कहा मेरे शौहर को ये कैसल क्यों मिला, यानी ओवरऑल उसकी सारी नेकियां या कोई स्पेशल एक नेकी, कहा कि बाकी नेकियों का डिसीजन तो कयामत के दिन होगा, एक नेकी ऐसी थी कि इधर कब्र में गया उधर अल्लाह ने उसको रिवार्ड दे दिया, और वो थी चैरिटी, अल्लाह के रास्ते में वो इतनी खैरात और सदका करता था। लफ्ज सदके से लोग धोखे में आ जाते हैं, क्योंकि रिवायत में सबसे बेहतरीन सदका वो जो आप किसी आलिम या मर्जे को दें, और उसके बाद सेकंड बेस्ट सदका वो है जो अपने वालिदैन को दे,
और थर्ड नंबर पे वो सदका है जो सिले रहम में दे। हमारे यहां कराची में या पाकिस्तान हिंदू कल्चर के इन्फ्लुएंस की वजह से हम सदके को कोई गंदी और खराब चीज समझते हैं। खैर, कहा कि जो सदका खैरा चैरिटी करता था, औरत को दो सेटिस्फेक्शन मिले। फर्स्ट तो ये मिला कि इतने साल बाद मुझे शौहर की खबर मिली, वो अच्छा, और दूसरा ये कि अल्लाह आदिल है, सेम नेकी मैं कर रही हूं, मैं भी तो चैरिटी कर रही हूं ना, तो इतना ही स्टेटस मुझे भी मिलेगा। अल्लाह के यहां डबल स्टैंडर्ड नहीं है, वो हमारे और आपके यहां डबल स्टैंडर्ड। और ही और क्या एग्जाम्पल, तो घर में जाके देख लीजिए, एक औरत की अपनी बेटी है, एक औरत की अपनी बहू, बेटी के साथ जो उसका एटीट्यूड होगा, बहू के साथ जो उसका बिहेवियर होगा, दामाद से जो वो एक्सपेक्टेशन करेगी, अगर वही काम उसका बेटा शुरू करे अपनी बीवी के साथ, तो घर में हंगामा और झगड़ा और डिवोर्स। खैर, तो ये डबल स्टैंडर्ड हर जगह होते हैं, अल्लाह के यहां नहीं। कहा कि मैं भी यही नहीं करती हूं, चले अब वापिस आई, लेफ्ट साइड पे गई, ओहो इतनी डर और खौफ वाली जगह थी, जो मेरी 30 साल पहले की मदरसे थी ना, जिसकी वजह से मैं कब्र वाला बापू कहलाता था, वो वाला सीन उससे भी खतरनाक। जो दुआ इफ्तिताह के बाद की सेकंड दुआ, आग कोड़े सांप बिच्छू अजाब, और उसमें एक उसे कुआं या वेल नजर आया जो पूरा आग से भरा हुआ, जो रसूल खुदा ने मेराज की रात जिब्राइल से पूछा था। मेराज की रात पैगंबर ने वो आग का कुआं देखा था, वैसे ही कुआं नजर आया, पूरा आग से भरा है, और कुछ गुनाहगारों को उसमें इस तरह से उल्टा बांध के लटकाया गया। आइए कभी कराची में, हमारे यहां चिकन टिक्के की दुकानें होती हैं, उसके ऊपर चिकन जो है ना वो इस तरह आग पे लटकाया जाता है, सबको उल्टा टांगों से बांध के लटकाया गया, आग में जल रहे। तो फ्राई इंसान अगर देखना हो तो वो जहन्नम के अंदर फ्राई हो रहा है, बारबेक्यू बन रहा है, एक सिरे से पूरे कुएं में ये आदमी लटक रहे, अलबत्ता बीच में एक स्पेस खाली नजर आ रही। घबरा के पूछा, ये किसकी जगह खाली क्यों? कहा ये तेरे लिए, तेरा वेट हो रहा। घबरा गया, अब मेरा कौन सा ऐसा गुना? कहा कि मेरी गलती क्या है? कहा जो तू राह खुदा में चैरिटी करती है, ये उसकी सजा। और आंख खुल गई, सपना अपने कंट्रोल में नहीं, ये वो डीवीडी प्लेयर या टेलीविजन नहीं है, जब क्या ऑफ किया जब क्या ऑन किया, अब जो टेलीविजन में जो एचडी में नई टेक्नोलॉजी है कि आप पीछे जाके भी देख सकते हैं, ये अपने कंट्रोल में नहीं है कि दोबारा सो जाए। अब आंख खुल गई, अब परेशान कि ये क्या ख्वाब मैंने देखा, सेम नेकी मेरा शौहर करे तो जन्नत का पैलिस बिफोर कयामत मिल जाए, सेम नेकी मैं करूं तो जहन्नम का इतना सख्त अजाब, मिड नाइट जाए तो कहां जाए। सुबह की नमाज के बाद पहला काम यह किया कि अपने बेटे को लेकर अपने जमाने के नबी के पास गई, वो मूसा नहीं थे, मूसा के बाद वाले कोई नबी, या नबी खुदा मेरा ख्वाब मुझे लग रहा है ये शैतान ने दिखाया है ताकि मैं चैरिटी बंद कर दूं। ये भी पॉसिबल है, शैतान किसी नेकी से रोकने के लिए आपको ऐसा ख्वाब या सपना दिखा सकता। नबी ने कहा नहीं, ये सच्चा ख्वाब, और जो तूने देखा यही होने वाला, शौहर को जन्नत का महल मिल चुका है ड्यू टू हिज चैरिटी, और जहन्नम तेरा वेट कर रही है ड्यू टू योर चैरिटी। कहा या नबी खुदा मगर रीजन क्या है? अब वर्डिंग मेरी है, टाइम नहीं है इसलिए मैं बात को शॉर्ट करता हूं, खत्म बात। कहा या नबी खुदा वही चैरिटी शौहर ने की वही मैंने की? कहा फर्क है, शौहर ने चैरिटी अपने माल हलाल से की, तूने चैरिटी दूसरे के माल से की, ये चैरिटी की इजाजत है कि आप किसी की दुकान पे जाए चोरी करो और बाहर आके वो चीज खैरात कर दे, वो सवाब मिलेगा कि उल्टा अजाब मिलेगा? उधर एक वाकया भी है छठे इमाम का कि उनकी आंखों के सामने एक आदमी ने दो रोटियां चोरी की, बाहर जाके गरीब को दे दी, और इमाम ने यही कहा कि तेरा सवाब कोई नहीं है, गुनाह है, अपने माल से चैरिटी करो, हलाल माल से चैरिटी करो। मोमिना ने घबरा के कहा या नबी खुदा वो मेरा माल था, वो माल हलाल था, कोई मैं अल्कोहल का बिजनेस नहीं कर रही थी, कोई शराब नहीं था, कोई कैसीनो का पैसा नहीं था, कोई ब्याज का पैसा नहीं था, किसी मोमिन का हक नहीं मारा, या तो ये भी फ्रॉड होते। कोई आएगा आपके पास के $100,000 दे दो बिजनेस में लगाऊंगा और उसके बाद वापिस कर दूंगा,
वो प्रॉफिट तो क्या मिलेगा, असल भी वापस नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं, अपना पैसा। नबी खुदा ने कहा यही तेरी गलती, जैसे ही शौहर का इंतकाल, जब तक शौहर जिंदा था पैसा तुम्हारा था, जैसे ही शौहर का इंतकाल हुआ, जैसे ही आदमी मरता है उसका माल उसका अपना माल भी नहीं रहता, मीरास हो जाता, और मीरास के लिए इस्लाम के सेट मसले हैं, उससे कोई नहीं हट सकता। बल्कि एक जमाने में मैंने कई मराजे को एक सवाल लिख के ऐसे ही भेजा था, मुझे भी पता था कि नॉनसेंस सवाल, लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग कि अगर कोई आदमी मर जाए और फिर मेडिकल साइंस इतना डेवलप हो जाए या प्रोग्रेस करे या तरक्की करे कि वो दोबारा जिंदा हो जाए, इसको पुराना आदमी मानेंगे कि नया आदमी? दैट मींस वो जो इसकी बीवी थी जो इसकी मौत के बाद बेवा हो गई दोबारा जिंदा हो गया, वो उसकी बीवी वापिस आएगी कि नहीं? अब वो रिश्ता खत्म हो गया। इसका माल जो इसका माल था, जैसे कोई आदमी मर जाता उसका माल भी नहीं रहता, उसके वारिसों का माल हो गए। बल्कि आगाए गुलबा एगानी, जिनकी आप में से कुछ बुजुर्ग तकलीद कर भी चुके हैं आगाए खुल के बाद, 11 महीने वो जिंदा रहे लेकिन कुछ लोगों ने तकलीद की, उनकी प्रिंटेड बुक में अब तक ये मसला मौजूद कि हम किसी के घर गए, वो आदमी बीमार, हम उसको देखने गए, बीमार आदमी है, हम उसको देखने गए, पता चला फला आदमी का बाईपास हुआ, नहीं बाईपास नहीं हुआ, हार्ट अटैक आया, हम देखने गए, नमाज का वक्त था, हमने उससे इजाजत ली कि तुम्हारे घर में नमाज पढ़ सकता हूं जोहर की, उसने कहा पढ़ो, हमने 2 रकअत नमाज पढ़ी और एकदम मर गए, हार्ट अटैक का मरीज, आईसीयू का मरीज मर गए, बाकी सारी चीजें अपनी जगह आ गए, गुलपायगानी कहते हैं तुम्हारी नमाज टूट गई दोबारा पढ़ो। अच्छा, ये सब मर्जी कहते हैं, मसला यह है कि प्रिंटेड फतवा आ गए गुलपायगानी का, कभी लोग चैलेंज कर देते हैं ना, तो फिर वो मसले तो नहीं चलेंगे जो मैंने अपने कानों से सुने। अगर आपको इतना ट्रस्ट होता तो आप चैलेंज ही क्यों करते, तो उस वक्त किताब की बात है, वरना मसाला सब कही गई। हमारी जोहर की नमाज 2 रकअत हमने पढ़ी, नमाज टूट गई उसके मरने से, वाइफ का इसलिए कि जिस घर में तुम नमाज पढ़ रहे थे जब तक वो जिंदा था उसका घर था, उसने परमिशन दी, जैसे ही वो मर गया उसका घर नहीं रहा, उसके वारिसों का, जब तक के वारिसों की परमिशन ना हो नमाज नहीं पढ़ सकते। ये इतना स्ट्रिक्ट मसला इस्लाम में है कि इधर मौत आई हमारा माल नहीं रहा, चाहे हमारी प्रॉपर्टी हो, चाहे हमारा घर हो, चाहे हमारी दुकान हो, चाहे हमारी शिलिंग हो, चाहे हमारे डॉलर, कहा ये तुम्हारा नहीं रहा, अब इसमें तुम वारिस बनोगी? बीवी का कितना हिस्सा होता है शौहर की मीरास में? खाली 1/8, वो भी प्रॉपर्टी में नहीं होता, डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, मेरे पास डिटेल का टाइम नहीं, प्रॉपर्टी में नहीं होता, अलबत्ता इसमें कुछ मसले हैं, बहरहाल बाकी जो है उसमें भी 1/8, 12% 13% समझ लीजिए, शौहर के मरने के बाद जो माल था 13% तेरा था, 87% तेरे यतीम बच्चे का था, बच्चा अगर नाबालिग हो तो वो भी किसी को परमिशन नहीं दे सकता अपना माल इस्तेमाल करने की, नाबालिग को रजा नहीं है, नाबालिग कहने की अच्छा मां मैं इजाजत देता हूं मेरा माल वाहे खुदा में खर्च करना, नाबालिग को भी रजा नहीं, तो 87% माल तेरा नहीं है तेरे बच्चे का है, उसको भी कोई हक नहीं है बोलने का। अब जो तूने राहे खुदा में खैरात किया 13% तक तो चल गए, उसके बाद जितना खैरात किया वो यतीम का माल तू राहे खुदा में दे रही, दूसरे का माल और खास तौर पर यतीम का माल, जो मौलाए मुत्तकियान का वसीयत नामा मैंने 2 रात पढ़ा, नमाज से भी पहले यतीम के हक का ख्याल किया गया, इमाम ने फरमाया नबी ने, वो 87% जो तूने राहे खुदा में खैरात किया यतीम के माल को इस्तेमाल किया, इसकी सजा मिलेगी? सवाब कोई नहीं मिलेगा। अब इसके बाद तो है कि मेरा औरत ने क्या किया और कैसे गुनाह माफ कराया, लेकिन इतनी सी बात, शैतान का बेस्ट टूल, यह असल में 5वें की हदीस का, देखो एक मसला इस मोमिना को नहीं मालूम था, खुद भी जहमत उठाई, भाई जब राहे खुदा में खैरात कर रही है तो घर में बहुत मामूली खाना खा रही, बेटे को भी जहमत में डाल रही है, सब कुछ राहे खुदा में दिया भी और रिजल्ट में 0 निकला। जो एक मसला आप हजरात जानते हैं कि अगर आपके माल में खुमस वाजिब है आप खुमस ना दें,
اور پورا مال راہ خدا میں خیرات کر دے، ثواب کچھ نہیں ملے گا، الٹا عذاب ملے. خمس پہلے ہے، باقی چیریٹی بعد میں آتی. خمس دینے والے بھی ہمارے یہاں خمس کے مجرم اگر اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، جو اس کا ایک طریقہ. تو خلاصہ ہی کہ بات کیا نکلی اس پورے واقعے کی، شیطان لاسٹ ویک ہے، ویٹ کر رہا. نیکسٹ آج کی جو رات آئے گی نا، نیکسٹ سنڈے کے بعد کی، یہ تو کنفرم عید کی رات. ہو سکتا ہے اس سے ایک رات پہلے عید ہو جائے، لیکن آج تو کنفرم. بس دیکھیے گا شیطان کیسا ریونج لیتا، اور کچھ لوگوں کو شراب پلا کے گناہ کروائے گا، لیکن پوائس مومن اس کے ہاتھ میں نہیں پھنسے گا. کچھ لوگوں کو نیکسٹ پورے جو 11 مہینے نیکسٹ رمضان تک ڈسکو اور ڈانس میں لے جا کے گناہ کروائے گا، بزنس میں فراڈ کے ذریعے گناہ کروائے گا، لیکن جو بڑے پوائس مومن اس کے ہاتھ میں ہی نہیں آئیں گے، ان سے وہ گناہ کروائے گا اگنورنس سے، لیک آف شریعہ نالج. انسان عبادتیں کیے جائے اور مسائل نہ سیکھے. الحمدللہ دارالسلام میں لوگوں کو اتنا مسئلہ تو پتا ہے نا کہ جس مہر پہ آپ نماز پڑھ رہے اس پر بھی خمس واجب ہے، اگر وداؤٹ یوز ایک سال پڑھی رہے. اب شیطان اگر یہ مسئلہ آپ کو آپ کے دماغ سے نکال دے، پورا شب قدر کی رات آپ نے 102 رکعت نماز پڑھی اور ایسی مہر پر، وہ شیطان کے لیے زیادہ ایزی، محنت بھی کرواؤ ساری نمازوں پہ چوکڑی لگ گئی. جس گھر میں آپ نماز پڑھ رہے، جس دیش میں آپ نماز اور حج کر رہے، تو اب یہ شیطان کا سب سے بڑا ٹول ہے ریلیجس اور پائس مومن کے لیے، اس کو دین کی نالج سے دور رکھتا. اور یہی وجہ ہے کہ شیطان کے اگینسٹ جو دنیا کا سب سے بڑا جہاد ہوا، شیطان کے اگینسٹ ہر نبی نے جہاد کیا، نبی آتا ہی شیطان کے اگینسٹ ہے، ہر ولی نے شیطان کے اگینسٹ جہاد کیا، ولی کا مطلب ہی ہے، ہر وسیع نے شیطان کے اگینسٹ جہاد کیا، وسیع کا مطلب ہی ہے، ہر امام نے شیطان کے خلاف جہاد کیا، لیکن سب سے بڑا جہاد تمام انبیاء کے جہاد سے بڑا، تمام اولیاء کے جہاد سے بڑا، تمام اوصیاء کے جہاد سے بڑا، تمام ائمہ کے جہاد سے بڑا وہ کربلا کا جہاد. اور کربلا کے جہاد کا سمرائز کر، وائے حسین کربلا میں کیوں گئے تھے؟ جتنی زیارتیں ہمارے پاس ہیں، سب سے زیادہ اسٹرانگ حدیث آئی ہے زیارت اربعین کے لیے. مومن کی 5 نشانیاں جن میں سے ایک ہے زیارت اربعین. یہ زیارت وارثہ اور زیارت عاشورا کے لیے بھی اتنی اسٹرانگ حدیث نہیں، زیارت اربعین کا جملہ، اے خدا آئی بیئر وٹنس، میں گواہی دیتا ہوں، بحزلا محجبہ فی، حسین نے اپنی جان دی ہے، کیوں؟ لیستنقض عبادک من الجہالۃ، بس اتنا سا لفظ، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت اور اگنورنس سے نکالا جائے. پورے کربلا کے جہاد کو سمرائز کر کے اتنا سا ٹکڑا، لیستنقض، پروٹیکٹ کیا جائے، بچایا جائے، سیف کیا جائے عبادک، تیرے بندوں کو. اب اس میں خالی مومن و مسلمان نہیں، تمام بندگان خدا کو بچایا جائے من الجہالہ اگنورنس، سب سے بڑی غلطی اگنورنس. اسی کی وجہ سے انسان نیکی کرتا ہوا گناہ کرنے لگتا. پورا رمضان گزار کے بھی شیطان کے ہاتھ میں چلا جاتا. جب امام علی کی شہادت کی خبر اسپریڈ ہوئی آج 21 رمضان 23 رمضان، تو بہت سے مسلمانوں کو اس خبر پہ یقین نہیں آیا، کہا وی ڈیڈنٹ بلیو. وائے؟ کیا علی کی بہادری کو دیکھ کر نہیں؟ بڑا عجیب ان کا جملہ تھا. کہا کہ یہ خبر جھوٹی ہے، کھوٹی ہے، کہ علی مسجد میں مارے گئے. مسجد میں تو مسلمان جاتے ہیں، علی کا مسجد سے کیا تعلق؟ اگنورنس دیکھیے، جہالت. دنیا میں آج کوئی مسجد نہ ہوتی اگر امام علی نہ ہوتے، اور مسلمان کہہ رہا ہے کہ مسجد میں علی گئے کیوں؟ علی کا مسجد سے کیا تعلق؟ یہ اگنورنس ہے جو لوگوں کو امام کے خلاف لے آتی. اسی لیے آقا حسین نے کہا کہ نہیں، کربلا کے جہاد میں میں کسی کو یہ چانس نہیں دوں گا کہ وہ یہ ایکسکیوز لے کر آئے مجھے معلوم نہیں کہ حسین کون.
हर जगह पहले अपना इंट्रोडक्शन कराया। आशूर के जिहाद में भी अली अकबर की अजान हुई, हुसैन की नमाज हुई, जिहाद शुरू करने वाला हुसैन ने रोक दिया, कहा मैं पहले जाके स्पीच करूंगा, अपना इंट्रोडक्शन कराऊंगा, कल कोई यजीदी या ना कह दे कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मैदान करबला में कौन है, सब जा रहे थे मैं भी चला गया। हुसैन ने एक एक मंजिल पे अपना तारुफ कराया, यहां तक कि असगर की शहादत, अकबर की शहादत, दरबार शाम, आप देखिए जगह जगह सज्जाद के खुतबे, ज़ैनब का खुतबा, कुल क्या चीज है, अपना इंट्रोडक्शन, पता है कि ये लोग चेंज नहीं होंगे, फिलहाल इंट्रोडक्शन जरूर कराए, क्यों कि हुसैन के जिहाद का असल मकसद था लोगों की जिहालत दूर करना, बस। आज की तकरीर भी मैंने तकरीबन घंटा ले लिया आपका, वेरी सॉरी, अब रिमेनिंग 3 तकरीर है 45 मिनट, बस मसाइल तो पूरे करना, और ऐसे तरीके से इंट्रोडक्शन कराया, आपने दुनिया में सैकड़ों हजारों आलिमों को सुना, मजलिस पढ़ते सुना, स्पीच देते सुना, कभी ऐसा भी कोई ऑरेटर देखा जो स्पीच दे रहा हो उसके गले में तौक हो, हाथों में हथकड़ी हो, पांव में बेड़ी? मेरा आका सज्जाद, जरा देखिए यजीदियत कितनी जाहिल थी और सज्जाद ने कैसा उनकी इग्नोरेंस को दूर किया। जुमे का दिन यजीद के चाहने वालों से मस्जिद भरी, यजीद आका सज्जाद को जेल से बुलाता है हथकड़ी और बेड़ी के साथ, मस्जिद में लाके बिठाता है कि इस हालत में नमाज पढ़ना, उसको 100% कंफर्म श्योर है कि मजमे में एक आदमी भी कंप्लेन नहीं करेगा, क्या यजीद कम अज कम नमाजी की तो हथकड़ी खोल दे, इतना उसे ट्रस्ट है अपने चाहने वालों पर। और फिर एक बार अपने ऑफिशियल खतीब से कहता है कि मिंबर पे जाके मेरा प्रेस कर, आपने बहुत सुना है वाकया, खतीब ने मिंबर पे जाके यजीद की तारीफ की, अब देखे मेरा मजलूम है, इमाम बाबा के मिशन को पूरा कर रहा, ले यस्तन कजा इबादत का मिनल जिहाल, हथकड़ी और बेड़ी को संभाल के खड़े हुए, यजीद से कहा यजीद तेरे आदमी ने तो जो कह दिया कह दिया, अब मुझे परमिशन है मैं भी कुछ कहूं, ये मिंबर यजीद का, ये यजीद के बाप का नहीं है, सज्जाद को परमिशन नहीं लेना है, सज्जाद को मजमे के अटेंशन डाइवर्ट करना, चुनाचे तमाम हिस्ट्रीज में ये तो यजीद से इतना कहा, फिर वेट नहीं किया कि वो यस बोले, खुद ही मिंबर पे जाके बैठ गए, अब मजमे ने कहा कि हाँ हाँ यजीद, अब इनकी बात भी सुने, फिर अपना इंट्रोडक्शन कराया, जो मुझे जानता है सो जानता है, जो नहीं जानता अनबन मोहम्मद अल मुस्तफा, अनबन खदीजत अल कुबरा, अनबन अली अल मुर्तजा, अनबन बिनत नबी, मैं मोहम्मद मुस्तफा का बेटा हूं, मैं खदीजा ताहिरा का फर्जंद हूं, मैं तुम्हारे नबी की बेटी का बेटा हूं, मैं जमजम का मालिक हूं, मैं काबे का वारिस हूं, मैं सफा और मरवा का साहिब हूं, मैं उसका बेटा हूं जो 3 दिन का प्यासा मारा गया, मैं उसका फर्जंद हूं जिसका लाशा जलती रेती में रहा, अपना इस तरह का इंट्रोडक्शन कराया कि आप तो मानने वाले हैं, रो रहे हैं, यजीदी रोने लगे, यजीद घबरा गया, एक मरतबा मौजिन से कहा अजान दे के इकता कलाम हूं, अरे इनकी तकरीर को काट दे और जल्दी से अजान दे, बस अजादारो यहां पे 2 जुमले मुझे कहना है, पहला जुमला आपसे कहना है, दूसरा जुमला आका सज्जाद से कहना है, आपसे तो यही कहना है, जब कोई ओरेटर मिंबर पे आता है उसे खुले हाथ चाहिए क्योंकि हाथों से इशारे करना है, उसे खुली गर्दन चाहिए आजाद गर्दन क्योंकि कभी सर को मोड़ना है, उसे पैरों की आजादी चाहिए, अल्लाह अल्लाह, दमिश्क की मस्जिद का खतीब गले में तौक है, हाथों में हथकड़ी है, पांव में बेड़ी है और ऐसा खुतबा दे रहा, और दूसरा जुमला बहुत डरते डरते आका सज्जाद से कहना है, आका सज्जाद मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा, मेरी इस गलती को माफ करें, लेकिन आपका खुतबा अगर यजीद ने काटा तो अजान के जरिए काटा, लेकिन जब आपके बाबा ने असगर को लाके करबला में खुतबा दिया तो ये खुतबा हर मौला के 3 भाई के 3 से कटा और असगर का कलेजा छिटके रह गया।
खुदाबंदा तुझे मासूम अली असगर के खून ना हक का वास्ता, तुझे कूफा और शाम के बाजारों और दरबारों में मेरे आका सज्जाद के इस इम्तिहान का वास्ता, जो मोमिनीन और मोमिनात आज की इस मजलिस में भी इस कसीर तादाद में आ गए हैं, खुदाबंदा इनकी तमाम हाजतों को पूरा फरमाया, माहे रमजान की सारी बरकतें सारी नेमतें इनको अता फरमा, इनके तमाम मरहूमीन की मगफिरत फरमा, इनके रिज़्क़ हलाल में बरकतें अता फरमा, इन्हें औलाद के हर सदमे और हर परेशानी से महफूज फरमा, इनके तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा, खुदाबंदा दुनिया भर में जहां जहां मजलूम शियान हैदर कर्रार इन सब की मदद फरमा, ईरान के जलजले में जो 250 के करीब साहिबान ईमान शहीद हुए हैं, कल इराक में करकूक और बगदाद में जो 19 मोमिनीन मुख्तलिफ बम धमाकों में शहीद हुए हैं, कोयटा के अंदर जो 3 शहादतें हुई हैं, खुदाबंदा इन तमाम शहदा इस्लाम के साथ हमारे तमाम मरहूमीन को आले इल्लीन में अहले बैत अतहार से मुलाक फरमा, और इन मजालिम के इंतकाम के लिए वारिस मासूमीन फरजंद जहरा इमाम जमाना के जहूर में ताजील फरमा। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم।